बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया हमारा ना आप लोगों को कोई व्लॉग नज़र आ रहा है, ना आप दोस्तों से हम मुलाकात कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले रीज़न आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि असल में मौसम तब्दील हो रहा है, जैसे कि तो उसकी वजह से इन्फेक्शन आजकल फैली हुई हैं और उस इन्फेक्शन का शिकार तकरीबन हम सारे ही हो गए हैं। मुझसे ये मामला स्टार्ट हुए थे और उसके साथ साथ जो है अब मिसेज जो हैं वो उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब हो गई है। मैं अभी तक मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर पाया, तो इसलिए हम लोग कहीं पर भी आ जा नहीं सक रहे हैं आप दोस्तों के, इसीलिए हमारा कोई व्लॉग नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने आज जो मैं हाज़िर हुआ हूँ वो एक बड़ी ज़रूरी बात है, उसके लिए बस छोटे से डिस्कशन के लिए आया हूँ आप दोस्तों के पास। वो ये है कि दोस्तों अभी अभी वर्ल्ड कप T20 अभी फ़ाइनल भी नहीं हुआ, फ़ाइनल अभी होना है, लेट्स सी कौन जीतता है, न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जैसे आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उस तरीके से हम भी बड़े एक्साइटेड थे एंड कुछ वीडियोस भी आपने हमारी देखी जो हर मैच के एंड के ऊपर हम लोग बड़े एक खुश होकर पाकिस्तान के जीतने के ऊपर लगाया करते थे। तो अभी अनफॉर्चुनेटली परसों पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हार गया और काफ़ी हमने उसके अंदर चीज़ें देखी, काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन एक चीज़ कहता चलूँ दोस्तों उसमें ये कि हमें मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमारी इस टीम ने जब खेलने के लिए स्टार्ट हुए थे तो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, हम सबको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शायद हम एक मैच भी जीत पाएंगे, तो चलो अगर जीते भी तो एक आधी जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने, पाकिस्तानी टीम ने खेला सारा टूर्नामेंट में, जिस तरीके से इन लोगों ने परफॉर्मेंस दी तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। 5 मैचेस मतलब अनबीटेबल थे, कभी ना कभी तो हारना ही था ना, एक जीत का एक सिलसिला चल रहा था, एक आध मैच हार गए, अब वो नॉकआउट था अनफॉर्चुनेटली, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म किया। प्रेशर होता है, सेमीफाइनल का प्रेशर होता है, फिर वही वाली बात जिस तरीके से बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी ये बात की है, मतलब हम लोग तो क्रिकेट को सिर्फ शौकीन है ना फैंस, हम लोगों को उसके बारे में इतना ज़्यादा कोई पता तो नहीं है। लेकिन जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये बात की है कि प्रेशर होता है, और फिर भी उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को लास्ट ओवर तक खींचने में कामयाब हो गए थे पाकिस्तानी। हाँ मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी वीडियो, बाबर आजम जो हमारे कैप्टन हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, उन्होंने हारने के बाद जिस तरीके से अपनी तमाम टीम को जो है उन्होंने एक उनके साथ एड्रेस किया है, उनको एक साथ यूनाइटेड होकर रहने के लिए कहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब हमें बीइंग कॉम भी ना, पाकिस्तानी कॉम अपनी टीम के साथ खड़ा होना चाहिए। इंडिया में जो इंडिया वालों ने हरकतें की पाकिस्तान से जब ये लोग मैच आ रहे, तो उसके बाद जिस तरीके से इंडिया में लैश बैक आया है, उन लोगों के टीवी तोड़ दिए उन लोगों ने, और वो सारा कुछ जो उन लोगों ने हरकतें की हैं अपनी टीम को ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इवन वो विराट कोहली जो है उनका कैप्टन, वो उसकी बैटिंग, उसकी जो क्रिकेट के जो उसका है, उसके फैंस इवन पाकिस्तान में भी मौजूद है, पूरी दुनिया में, लेकिन उन लोग इंडिया वालों की हरकतें ऐसी हैं कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान से, चूँकि वो लोग मैच आ रहे तो उनको मतलब क्या क्या गंदी गंदी बातें नहीं की हैं, उसको उसकी छोटी सी बेटी है उसको तौबा अस्तगफिरुल्लाह रेप तक की उन लोगों ने उसको, मतलब धमकी दे डाली, मतलब बिल्कुल ही माइंड आउट हुआ हुआ है इन लोगों का, इतने जाहिल लोग हैं ये। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारी जो टीम है, हमारी टीम इतना आगे तक गई माशाल्लाह, सेमीफाइनल तक गई, एक मैच रह गया था। हमें दुनिया के सामने ये मैसेज देना है कि हम एक सुलझी हुई कौम है, हम एक सुधरे हुए लोग हैं, हम लोग इस तरीके के नहीं हैं, हम अपनी टीम का साथ देते हैं चाहे वो जीतती है चाहे वो हारती है, और इस बार तो उनका साथ देना बनता है मेरे ख्याल में। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जीत हार लगी रहती है, इंशाल्लाह ताला हमारी यही टीम अगले किसी टूर्नामेंट के अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। क्योंकि बाबर आजम साहब की जो तकरीर थी और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके से एड्रेस किया है अपनी टीम के साथ हारने के ऊपर, उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि ये टीम अब वो वाली टीम है नहीं, ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी आगे भी। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा ताकि हम लोग जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर रिकवर होकर
आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर किसी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत पाकिस्तान की जगह दिखाने के लिए अपना काम व्लॉगिंग दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिया व्लॉग्स को जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो इस बात पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारी टीम जब वापस आए तो उन लोगों को बड़े अच्छे अंदाज से आप लोगों ने सपोर्ट करना है, जिस तरीके से वो जब मैचेस जीत रहे थे तब आप लोग कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।